आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 36वां मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के बाद क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी राइवलरी इन दोनों टीमों की राइवलरी को माना जाता है। लोकप्रिय राइवलरी द एशेज भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। हालांकि ये वर्ल्ड कप दोनों टीमों के लिए काफी अलग रहा है। एक तरफा ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मुकाबले जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। दूसरी ओर इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारने के बाद आखिरी पोजीशन पर है। इंग्लैंड तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई है। हालांकि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई होने के लिए खेल रही है। वहीं सेमीफाइनल के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला अहम है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले में अहमदाबाद के पिच का मिजाज क्या रहने वाला है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 11 पिच है, जिसमें से 5 काली मिट्टी की तो वहीं 5 3 प्रकार की मिट्टी से बनी हुई है, जबकि 1 2 प्रकार की मिट्टी से बनी है। अहमदाबाद में अच्छा बाउंस देखने को मिलता है, जिसका फायदा बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को मिलता है। इस पिच पर जमकर रन बनते हैं, वहीं स्पिनर्स को भी मिडल ओवर्स में थोड़ी सहायता मिलती है। अब तक इस मैदान पर कुल 30 वनडे मुकाबले खेले गए, जिससे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 16 तो दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 बार मैच जीते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 235 तो दूसरी पारी का 205 है। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने को देख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा कि वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 36 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से कौन सी टीम बाजी मारेगी।